सिद्ध हुई है, क्योंकि आप तुरंत पहले चिट्ठी पत्र लिखते थे, लेकिन आज ईमेल करते हैं। ईमेल के माध्यम से तुरंत मिनटों में सेकंड में आपकी कम्युनिकेशन हो जाती है। तो डिजिटल का भूमिका जहां बढ़ा है, वह आज के दिन में आपूर्ति के दृष्टि से, सर्विस के दृष्टि से आज भी प्रमुख भूमिका है। तो मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, बल्कि यह हमारे लिए बहुत सुखद क्षण है जब प्रधानमंत्री जी वैसे समय में हम सबको संबोधित करेंगे जब इस देश ने दुनिया को संदेश देने का काम किया है, वन अर्थ वन फैमिली वन ग्रीड G20 के माध्यम से एक आम सहमति बनाया कि दुनिया को किस तरीके से आज सोचना चाहिए, दुनिया को किस तरीके से आज अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, और दुनिया किस तरीके से भातृत्व भाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जहां इस संदेश को दुनिया के सामने देने का काम किया है, वहीं चंद्रयान के माध्यम से, चंद्रयान में मून के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग के माध्यम से दुनिया को संदेश दिया है, भारत अनुसंधान और विज्ञान में पीछे नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में और बेहतर तरीके से दुनिया में अपने ज्ञान और प्रतिभा को दिखा सकता है। यह क्षमता भारत और भारत के नागरिकों में, यह सफलता अर्जित। आज ऐसे समय में माननीय प्रधानमंत्री हम सबको संबोधित करेंगे, जो परंपरागत से ढंग से महिलाओं का स्थान सबसे ऊंचा रहा है, लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में नई व्यवस्था के साथ फिर एक सम्मान और वो स्थान बरकरार रहे, इसलिए विधानसभा और लोकसभा में नारी शक्ति बंधन विधेयक के माध्यम से नारी सशक्तिकरण का एक नया उदाहरण प्रस्तुत। तो इस तरह की उपलब्धियों के साथ देश जहां बढ़ रहा है, आप जैसे बहुत सारे इस कड़ी में जहां 51,000 लोगों को आज नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है और यह क्रम चल रहा है, तो इस दृष्टि से यह जो हमारी यात्रा प्रारंभ हुई है विविध क्षेत्र में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अनुसंधान में, व्यक्ति विकास में, परिवार विकास में, सामाजिक सरोकारों के साथ हम कैसे अपनी भूमिका सुनिश्चित करें, एक नया आंदोलन का स्वरूप लिया है, और वो स्वरूप इस रूप से कि स्वच्छता के अभियान के माध्यम से हम भारत को स्वच्छ भारत बनाएं, आयुष्मान भारत के माध्यम से सारे परिवार, सारा व्यक्ति, सारा समाज स्वस्थ रहे, नए शिक्षा नीति के माध्यम से हर घर के बच्चे अच्छे शिक्षा प्राप्त करें, ऐसे संकटों के समय में नवाचार के माध्यम से हम मुकाबला कर सके, इसलिए कोविड का वैक्सीन जैसे देश के साइंटिस्टों के द्वारा, रिसर्चर के द्वारा बनाए जाने का गर्व हमें महसूस हो रहा है कि आज प्रत्येक भारतवर्षी कोविड का वैक्सीन लिया हुआ दिखता है। तो इस तरह के आत्मस्वावलंबन के दृष्टि से बढ़ता हुआ भारत में खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।